सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या, और बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की इतनी संख्या अधिक संख्या देखते हैं। ऐसे तो विश्वविद्यालय में भले ही कागज पर हो, लेकिन जमीन पर कोई ऐसी संस्था आपको नजर नहीं आती है जो इस तरह का कार्यक्रम कराता है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, वह सभी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को कराने का विचार किया, और सिर्फ विचार ही नहीं किया बल्कि उसको जमीन तक भी उतारा। जैसा कि आज का विषय है नक्सलवाद समस्या एवं इसके समाधान, बहुत सारे वक्ता अभी तक बोल चुके हैं। सबसे अंतिम में अब हमको ही उपसंहार करना है कि इसका क्या निष्कर्ष निकला है। तो नक्सलवाद एक समस्या तो है, अब इसका समाधान क्या हो? अगर इसके समाधान पर ही हम ज़्यादा चर्चा करें तो चर्चा अपने सार्थकता को प्राप्त करेगी। सबसे पहले भगत सिंह कहा करते थे कि बाहरी सरकार को सुनाने के लिए विस्फोटों की आवाज़ आवश्यक है। जब नक्सलवाद अपने प्रारंभिक रूप में था तो ऐसे उन लोगों को लगा होगा कि हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन लोगों ने अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचाने के लिए, अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए हथियार का सहारा लिया होगा, और लिया भी है, ऐसा सबका मानना है। यह हमारा नहीं, सबका मानना है। लेकिन अब समय बदला, हम लोग 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमको नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार को नींद से जगाने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता है। आपने सरकार को संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनकर भेजा है, तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसको हटा भी सकते हैं। आपके पास अधिकार है, आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। अब इसके समाधान की जहाँ तक बात हो रही है, तो हमको दो ऐसा समाधान सूझ रहा है जिसके माध्यम से हम इस समाधान का तो 100% इसका समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन समाधान के 80% भाग तक हम पहुंच सकते हैं। सबसे पहले वार्तालाप। हमको लगता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आदिवासियों के बीच में, नक्सलियों के बीच में और सरकार के बीच में जो वार्तालाप की कड़ी है, वह कहीं ना कहीं मजबूत है, और इसमें मीडिया को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखाता है जो सरकार का प्रयास होता है, सरकार के उस प्रयास को नहीं दिखाती है, और बार बार एक ही चीज़ दिखाती है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है। तो इन चीज़ों को दिखाने से उन लोगों के यहाँ एक गलत संदेश पहुँचता है, और वो लोग सरकार के खिलाफ और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। लेकिन एक और बात है, एक तरफ से वार्तालाप की पहल हो और दूसरे तरफ से वार्तालाप को दबाने के लिए हथियार का सहारा लिया जाए, तो यह आवश्यक हो जाता है कि तब तो वार्तालाप की कोई बात ही नहीं होती। जैसे महाभारत हुआ था, तो महाभारत को हम गलत अर्थों में नहीं देखते हैं, इसको हम धर्म युद्ध मानते हैं, और धर्म युद्ध था भी, यह भी कहीं ना कहीं अधिकार प्राप्ति के लिए हुआ था। जब मानवता संकट में पड़ जाता है, धर्म संकट में पड़ जाता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हथियार उठाने की आवश्यकता उस समय महसूस होती है। अगर नक्सली वार्तालाप से न माने, तो यह सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि उसकी आवाज़ को कुचलने के लिए, उसके फंड को कुचलने के लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसी माध्यम से उसके फंड को कुचला जाए।